सवाल नंबर 16 देखिए, कहता है यदि एक्स वाई के एकक मान तीनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करे तो अज्ञात अचर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। पहला देखिए, 7x-2y = 4 और 3x-5y + 19 = 0, ये समीकरण एक है, ये समीकरण दो है। ठीक है, इसमें एक्स वाई देखिए 4 है, तो इससे हम क्या करेंगे, समीकरण एक और समीकरण दो से कि एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें अज्ञात अचर क्या है, के है। ठीक है, तो के का मान आपको निकालना है, तो के का मान कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले समीकरण एक समीकरण दो को हल करके इसे एक्स वाई का मान निकाल लेंगे और एक्स वाई का जो मान आएगा इसमें रख देंगे तो के का मान निकल जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे 16 नंबर सवाल है, 16 का पहला जो क्वेश्चन है से देखिए, समीकरण आपको दिया हुआ है 7x-2y = 4। ठीक है, ये समीकरण एक है, मान लीजिए इसको। एक दूसरा समीकरण देखिए दिया हुआ है 3x-5y + 19 = 0, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x-5y = ये प्लस में 19 है, इधर भेज दीजिए तो माइनस में 19 हो जाएगा। अब इसको लिखिए समीकरण दो, तो जो ऐसे लिखा हुआ है इसको हम सुधार के देखिए इस तरह से लिखे। ठीक है, यहाँ पे लिखिए 3x-5y = -19, ये समीकरण दो हो गया। अभी दोनों को हल करिए, समीकरण एक तथा समीकरण दो से, समीकरण एक को देखिए 7x-2y = 4 और दूसरा समीकरण है 3x-5y = -19। ये 2y है, ये 5y है, दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए देखिए समीकरण एक में गुना करिए 5 से, ये 5 है तो 5 से गुना कर दीजिए और इसमें गुना करेंगे, ये 2 है तो यहाँ पर 2 से गुना करिए, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 7 × 35x - 2 × 10y = 4 × 20। अब देखिए 3 × 2 = कितना होता है, 6x हो गया, −2 × 10y = 19 × 38। देखिए दोनों बराबर हो गया लेकिन दोनों माइनस में है, कट नहीं रहा, तो काटने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं घटाने पर, घटाने पर क्या होगा, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 35 में 6 घट जाएगा तो ये बचेगा आपका 29x, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया बराबर। 38 में 20 को जोड़िएगा तो 58 होगा, x बराबर देखिए 29 × 58 होता है, यानी x का मान कितना आया, 2 आया। अब यहाँ लिखिएगा कि x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक को पहले लिखिए 7x-2y = 4। अब देखिए 7 × 2, x का मान 2 रखे, −2y = 4, 7 × 2 = 14, −2y = 4, 14 को इधर भेजिए तो इधर बच गया −2y = 4 − 14, −2y = देखिए 14 में 4 घटाएंगे तो 10 बचेगा, साइन माइनस का ज़्यादा है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, y = −10/-2, माइनस से माइनस कट गया, 2 × 5 = 10, y का मान कितना आया, 5 आया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, लिखिएगा दिया है, प्रश्न में दिया है कि kx + 3y = 19। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं, यही कह रहा कि अज्ञात जो अचर है उसका मान ज्ञात कीजिए, तो x y तो हम मान निकाल लिए हैं, अभी समीकरण में क्या करेंगे कि x y का मान हम रख देंगे तो k का मान निकल जाएगा, ये अज्ञात अचर है इसका मान निकल जाएगा, तो यहाँ लिखिएगा कि x और y का मान समीकरण 3 में रखने पर, पहले समीकरण 3 को लिखिए kx प्लस
थ्री वाई बराबर 19 के एक्स का मान हम लाए हैं कितना 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 3 इंटू वाई, वाई का मान 5 है बराबर 19, तो के में 2 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 2k प्लस 3 पचे 15 बराबर 19, तो 2k बराबर 19 माइनस 15, ये प्लस में इधर आकर माइनस में हो गया, 2k बराबर 4, तो k बराबर क्या हो जाएगा देखिए 2 दुनी का 4, यानी k का मान कितना आया 2, इसलिए यहाँ लिखिएगा अज्ञात अचर k बराबर कितना हुआ 2, यही आंसर होगा, अज्ञात अचर कितना है 2 है, यानी k का मान कितना आया 2 आया। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि यदि x y के एकक मान तीनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करे तो अज्ञात अचर का मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न हम सॉल्व कर दिए हैं, ध्यान से देखिए इसमें तीन समीकरण आपको दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 1, ए एक्स प्लस 3y बराबर 1 और ए स्क्वायर एक्स प्लस 9y बराबर 1, ठीक है। कह रहा है कि अज्ञात अचर जो है उसको ज्ञात करना है, तो देखिए इसमें अज्ञात अचर क्या है, ए है, ठीक है, एक्स वाई, तो एक्स वाई हम क्या करेंगे, समीकरण एक समीकरण दो की सहायता से अगर हम एक्स वाई का मान निकालेंगे और जो मान आएगा इसमें रखेंगे समीकरण तीन में, तो अज्ञात अचर जो है निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, इसका दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले जो समीकरण दिया हुआ है उसको हम देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 1, ये समीकरण एक मान लेते हैं। फिर आपको दिया हुआ है ए एक्स प्लस 3y बराबर 1, इसको समीकरण दो लिख लीजिए। एक समीकरण और है ए स्क्वायर एक्स प्लस ए वाई बराबर 1, इसको समीकरण तीन मान लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, समीकरण एक और समीकरण दो की सहायता से सबसे पहले हम x और y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखिए समीकरण एक तथा समीकरण दो से, समीकरण एक को लिखिए x प्लस वाई बराबर 1 और समीकरण दो है ए एक्स प्लस 3y बराबर 1। देखिए 3y है, ये कितना है y है, तो हम क्या करेंगे कि समीकरण एक में गुना करिए 3 से, तो 3y हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा फिर, तो ये हो गया 3x प्लस 3y बराबर 3। अब ये देखिए ए एक्स प्लस 3y बराबर 1, दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं घटाने पर, घटाने पर क्या होता है कि साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया और ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। देखिए 3x में घटाना है ax को, 3x में घटाएंगे ax को, ठीक है, ये प्लस माइनस कट गया बराबर, 3 में से एक घटेगा तो 2 बचेगा, दोनों में x है तो x हो गया कॉमन, इसमें बचा 3 माइनस ए बराबर 2, तो x बराबर क्या होगा, ये जो है इधर बटा हो जाएगा, देखिए 2 बटा 3 माइनस ए, तो x का मान निकल गया। अब यहाँ लिखिए कि x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है x प्लस वाई बराबर 1, x का मान हम लाए हैं 2 बटा 3 माइनस ए प्लस वाई बराबर 1, ठीक है, इसको जो है राइट साइड भेजिए तो इधर बच जाएगा सिर्फ y बराबर 1 माइनस 2 बटा 3 माइनस ए, तो y बराबर इसके नीचे 1 है तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम होगा 3 माइनस ए, तो ये हो जाएगा 3 माइनस ए और माइनस 2 y बराबर, देखिए 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 बचेगा माइनस ए बटा 3 माइनस ए, तो x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे कि x y का जो मान है ये जो समीकरण 3 दिया हुआ है इसमें रखेंगे, ठीक है, तो अज्ञात जो अचर a है उसका मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 3 में
एक्स और वाई का मान रखने पर। समीकरण तीन को पहले लिख लीजिए, ठीक है। ए स्क्वायर एक्स प्लस ए वाई बराबर वन, ये आपका समीकरण तीन है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर एक्स, एक्स का मान कितना लाए हैं उसको लिखिए, दो बटा थ्री माइनस ए, एक्स का मान है, प्लस ए इंटू वाई, वाई का मान है वन माइनस ए बटा थ्री माइनस ए, इतना बराबर वन। अब देखिए गुना करिए, ए स्क्वायर में दो से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर, बटा में क्या है थ्री माइनस ए, प्लस है तो ये लिखेंगे प्लस। ये ध्यान से देखिए, ए है, ए नहीं है, कितना है नौ है, नौ वाई है, ध्यान रखिएगा कितना है नौ वाई, तो क्या है नौ है। अब देखिए कि नौ में एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा नौ माइनस, नौ में ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा नौ ए बटा थ्री माइनस ए बराबर एक। थ्री माइनस ए, थ्री माइनस ए, दोनों का एलसीएम निकालिए तो हो जाएगा थ्री माइनस ए, इसमें इससे भाग दिए तो एक बार में कट गया, एक में फिर इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस, फिर इसमें इससे भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा और एक में फिर इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा नौ माइनस नौ ए बराबर एक। सॉल्व करिए, देखिए इसके नीचे एक है, यहाँ से यहाँ गुना होता है, यहाँ से यहाँ गुना होता है, तो इतना में एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस नौ माइनस नौ ए बराबर थ्री माइनस ए, इसमें एक से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री माइनस ए। चलिए ये दोनों को जो है इधर लेकर आते हैं, टू ए स्क्वायर प्लस नौ माइनस नौ ए, तीन प्लस में है इधर आएगा तो ये माइनस में तीन हो जाएगा, ये माइनस में है इधर आएगा तो ये प्लस में ए हो जाएगा, इतना बराबर जीरो, इधर कुछ नहीं बचा तो जीरो बचा। अब देखिए टू ए स्क्वायर माइनस नौ ए में प्लस ए जोड़िएगा तो होगा ये माइनस आठ ए। अब देखिए प्लस नौ में घटेगा तीन तो कितना बचेगा छः बचेगा, इतना बराबर जीरो। इस सब में कितना कॉमन है, दो कॉमन है, तो हम क्या करते हैं दो को कॉमन कर लेते हैं तो ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस चार ए प्लस तीन बराबर जीरो। ये गुना में है तो इधर आके क्या होगा बटा में होगा, तो जीरो में किसी संख्या से अगर आप भाग दीजिएगा तो उसका मान जीरो होता है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस चार ए प्लस तीन बराबर जीरो। ए का मान निकालना है तो क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करिए पहले, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस ए, तो माइनस थ्री ए में माइनस ए को जोड़िएगा तो माइनस चार ए हो जाएगा, और माइनस थ्री ए में माइनस ए से गुना करिएगा तो थ्री ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस थ्री बराबर जीरो। देखिए दोनों में ए कॉमन है तो इसमें ए हम कॉमन कर लिए तो इसमें बचा ए माइनस थ्री, माइनस है तो माइनस, ये दोनों में कॉमन एक है तो एक को हम कॉमन कर लेते हैं तो इसमें बचेगा ए माइनस थ्री बराबर जीरो। ये सब आपको करने के लिए आता हुआ, ठीक है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ए माइनस वन, ए माइनस वन हो गया और ए माइनस थ्री है तो इसको एक साथ लिखिए, इतना बराबर जीरो। इसको हम लिख सकते हैं कि ए माइनस वन बराबर जीरो, तो ए बराबर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। और फिर देखिए ए माइनस थ्री बराबर जीरो, तो ए बराबर कितना हो गया तीन हो गया। तो ए का मान दो को निकल के आया, एक एक आया है एक तीन है, तो देखिए ये जो मान है ए बराबर तीन जो है ये असंभव है, इसको लिखिएगा कि ये असंभव है, ये नहीं हो सकता है, इसलिए ए बराबर एक यही आंसर होगा। अज्ञात जो अचर है उसका मान कितना है एक है। आप कहिएगा कि तीन कैसे असंभव है इसको बताइए, तो देखिए कैसे असंभव है से हम आपको बताते हैं, ए बराबर कितना लाए हैं तीन है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे एक्स का मान आप लाए हैं दो बटा तीन माइनस ए, ठीक है, देखिए यहीं पर हम दिखाते हैं आपको, दो बटा तीन माइनस ए, ए का मान यहाँ पर तीन रखिए,
तो देखिए 2/3 में से 3 जाएगा 0। अब ध्यान से देखिएगा कि ये 2 है, नीचे कितना है 0 है। अब इसका मान क्या होगा, अपरिभाषित है, इसका तो मान निकलेगा नहीं, x का मान नहीं निकलेगा। अब y में देखिए, y में भी हम क्या करते हैं कि a का मान हम 3 रखते हैं, तो देखिए 1 - 3/3 - 3, तो ये हो जाएगा -2/0। ये भी क्या है, अपरिभाषित है, यानी कि अगर a का मान हम 3 रखते हैं तो x और y का जो मान है वो नहीं निकलेगा, ठीक है, यह असंभव है। अब देखिए कि a बराबर हम कितना लाए हैं, 1 भी लाए हैं, एक 1 आया है, एक 3 आया है, ठीक है, तो 1 लाए हैं, तो इससे भी चेक करके देखिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं एक जगह पर, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ ऊपर 2 है, बटा में 3 में से 1 जाएगा, तो 2, तो 2 से 2 कट गया, कितना बार में, एक बार में, यानी x का मान कितना आया, 1 आया, और y का मान देखिए इतना लाए हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, एक जगह पर 1 लिखिए, तो 1 में से 1 गया 0, और 3 में से 1 गया 2। अब देखिए 0 है, नीचे 2 है, तो 2 में अगर हम 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी इसका मान कितना आएगा, 0 होगा। तो एक जब a का मान हम 1 रख रहे हैं, तो x का मान 1 आ रहा है, और y का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अब कह रहा है प्रश्न में कि x प्लस वाई बराबर 1 है, ये समीकरण एक आपको दिया हुआ है, तो चलिए मान रख के देखिए, x का मान 1 और y का मान 0, तो देखिए तो 1 बराबर 1 है कि नहीं, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है ये, इसीलिए a का जो मान होगा 1 होगा। 3 जो आप लाए हैं ये असंभव है, 3 नहीं होगा, 3 रखेंगे तो x y का मान नहीं निकलेगा, और 1 रखेंगे तो x y का मान निकल रहा है और समीकरण को संतुष्ट भी कर रहा है, इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा, 1 होगा।